वेलकम बैक डियर मेहमानों। पाया नेटवर्क के 4000 कॉइन से भी ज़्यादा का बैलेंस मेरे पास पड़ा है, उसके बावजूद भी मैं उसे अभी नहीं बेच रहा हूँ। और अगर आप भी ऐसी जल्दबाजी करके बेचने की कोशिश कर रहे हैं अपने पाए कॉइन्स को, तो ये जो अपॉर्चुनिटी होगी ये आपके लिए नुकसान वाली होगी, या फिर ये अपॉर्चुनिटी दोबारा आपको नहीं मिलेगी और अभी आपको सारे कॉइन्स बेच देने चाहिए। सारी चीज़ों का लाइफ प्रूफ और इनके प्री पेमेंट के ऑफर्स जो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करके लोग भेज रहे हैं कि आप मुझसे पहले पैसे ले लीजिए फिर आप पाए कॉइन्स मुझे रिलीज़ कीजिए, एडवांस पेमेंट वाले ऑप्शंस भी देने वाले लोग जो आ रहे हैं उनके साथ भी मैं क्यों डील कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, कब बेचूंगा कब नहीं बेचूंगा, क्या है ये पाए कॉइन और पाए नेटवर्क। अगर आप पहली बार इस वीडियो पे आए हैं और पहली बार पाए नेटवर्क के बारे में सुन रहे हैं तो पूरी डिटेल आपको विथ एवरी प्रूफ दिखाऊंगा इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि पाए नेटवर्क भी बिटकॉइन से कंपेयर होना शुरू हो गया है। पाए नेटवर्क को बिटकॉइन के लेवल का दर्जा देना शुरू कर दिए हैं लोगों ने। जब से ये चार्ट आप देख लीजिए, जब से ये बिटकॉइन ऊपर की रैली देना शुरू कर दिया है, ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 16 अक्टूबर के बाद ये डेली चार्ट है बिटकॉइन का, जब से ये बिटकॉइन का चार्ट ऊपर रैली करना शुरू कर दिया है तब से लेकर सारी क्रिप्टो करेंसीज में क्रिप्टोस के रेट्स ऊपर जा चुके हैं। इसका असर पाए नेटवर्क पे भी पड़ा है। ये जो पाए नेटवर्क की वेबसाइट है जो अभी आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर, इस वेबसाइट ने सबसे पहले तहलका मचाया था। वो बिटकॉइन जो माइनिंग किए गए थे, वो बिटकॉइन माइनिंग किए गए थे बड़े बड़े सर्वर्स, GPUs, बहुत सारी 24 घंटे की बिजली का खर्चा, AC, ये सारे खर्चे करने के बाद 2, 5, 10, 20, 50, 100 डॉलर आप कमाते थे, वो था बिटकॉइन को माइन करने का ज़माना। जब से पाए नेटवर्क आया था तब से लेकर माइनिंग शुरू हुई है मोबाइल में। पाए नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क था जिस नेटवर्क ने मोबाइल से माइनिंग करने की प्रोसेस की शुरुआत की थी। मैं आपको कुछ चार्ट्स दिखाता हूँ इसके और कुछ पास्ट परफॉर्मेंस दिखाता हूँ इसके। ये फोर्ब्स का डेटा है, जब से ये लिस्टेड हुआ है, लिस्टेड की डेट है इसकी 28/11/2019 से, हिस्टोरिकल डाटा दिखा रहा है फोर्ब्स का वेबसाइट। 28/11/2019 से लेकर इसने सबसे ज़्यादा लाइफ टाइम हाई लगाया है उसके प्राइस बैंड के हिसाब से, $249.84 का 5 साल का, और पिछले जितने सालों से ये लॉन्च हुआ है उतने सालों का लाइफ टाइम हाई इसका है। अभी करंटली अगर देखा जाए तो 24 आवर्स का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम और ट्रेडिंग इसका चार्ट दिख रहा है वो इस प्रकार का दिख रहा है। 7 दिनों का अगर आप चार्ट देखेंगे तो अभी भी ये कंसोलिडेट होकर ब्रेकआउट देने की बिल्कुल कगार पर है। जैसे ही बिटकॉइन राइज हो रहा है वैसे ये भी बहुत जल्द से जल्द ऊपर प्राइजेस पे जाने वाला है। मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा जिन स्क्रीनशॉट्स पे आपको दिखेगा कि पाए कॉइन्स को पाए नेटवर्क्स के अंदर अंदर जितने भी नेटवर्कर्स हैं वो मेननेट में ट्रांसफर करने के बाद कितने बड़े बड़े ऑफर्स दे रहे हैं, और ये जो अपॉर्चुनिटी है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है या फिर अभी आप सस्ते में बेचकर पछताओगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले ये जो फोर्ब्स का डेटा आ रहा है जो 3 पेयर्स में ये ट्रेड हो रहा है, पाए नेटवर्क का ट्रेड, वो कौन से एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है, चलिए उस एक्सचेंज पे चल के देखते हैं कि पाए नेटवर्क का चार्ट कितनी लिक्विडिटी का दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो पाए नेटवर्क का जो प्राइस ऑफ एक्सचेंज दिख रहा है वो एक्सचेंज कहाँ है, तो वो STX के एक्सचेंज में लिस्टेड दिख रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये STX का चार्ट। ये है STX का एक्सचेंज जिसमें आपको अभी पाए का, पाए नेटवर्क का, पाए /USDT का, इस पेयर का प्राइस आपको दिख रहा है विद अ वेरी लो लिक्विडिटी। इसमें अभी भी लिक्विडिटी कम दिख रही है विद द वीक्स, और छोटी छोटी सी कैंडल्स बनती हुई दिख रही है, लेकिन फिर भी ये 24 आवर्स में पिछला बहुत बड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट कर चुका है। मैं आपको दिखा रहा हूं इसका 24 आवर्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम, अगर आप देखेंगे लास्ट 24 आवर्स का तो वो यहां पर दिखाएगा आपको इस वाली वेबसाइट पे जो है कॉइनबेस। इसमें 3,089 रुपये, मतलब ऑलमोस्ट 3100 रुपये, 3,100 रुपये के आसपास का प्राइस कॉइनबेस दे रहा है अभी करंटली इस चार्ट पर। अब मैं आपको दिखा दूं कि इसका मार्केट कैप अभी तक डिफाइन नहीं है, वॉल्यूम 24 आवर्स में जो दिखा रहा है वो 29.6 मिलियन का वॉल्यूम है। अगर मैं आपको अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरे एंड्रॉइड फ़ोन की दिखाऊं जिसमें मैंने पाए नेटवर्क का ऐप बहुत पहले डाउनलोड करके रखा हुआ था, जब से मैं ये सब चीज़ों के बारे में वीडियो नहीं बनाता तब से मेरे पास में वो पाए नेटवर्क का एप्लीकेशन है। मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग उसकी, उसमें आपको मैं दिखाऊंगा मेरे पास कितना बैलेंस है, और मुझे इंस्टाग्राम पे जो जो बातें आ रही हैं, जो जो ऑफर्स आ रहे हैं वो भी मैं आपको अभी शेयर करूंगा। ये है मेरा वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरा एंड्रॉइड फ़ोन का जिसमें मैं सिर्फ ये बिजली के आइकॉन पे क्लिक करने के बाद 24 आवर्स में एक बार क्लिक करके, जैसे कि मैं इसके पहले बी नेटवर्क और बिलव नेटवर्क पे भी आपको बोल चुका था कि बिना इन्वेस्टमेंट के सिर्फ माइनिंग करके मोबाइल से आप छोड़ दीजिए, कल चल के कोई भी एक कॉइन जिस पे आप माइनिंग कर रहे हो, कोई भी एक कॉइन अगर गलती से भी लिस्टेड हो गया तो 3 में से 5 में से 10 में से कोई भी एक कॉइन आपको इतने पैसे दे देगा जितना आपने टाइम भी नहीं दिया होगा इन चीज़ों को एक क्लिक करने के लिए। ये 24 आवर्स में एक क्लिक करने के बाद क्यों आपको इतने पैसे दे रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि जब भी आप इस पे क्लिक करते हो तो एक ऐड चलती है। मैं बता दूं आपको 50 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं इस ऐप के, पाए नेटवर्क के एंड्रॉइड पे, सिर्फ एप्पल के ऐप स्टोर से अलग इसके डाउनलोड्स अगर आप देखो तो मैं आपको दिखा देता हूं कितना डाउनलोड्स हो चुके हैं, 50 मिलियन प्लस डाउनलोड दिखा रहा है आपको, मतलब कि 5 मिलियन से ज़्यादा लोग इस ऐप पे ये वाले
बिजली के आइकॉन पर क्लिक करने के बाद एड्स देख रहे होंगे। और सोचिए 5 करोड़ लोग जब 1 मिनट या 2 मिनट या जितने भी मिनट की एड दिखा रहे हैं उतने मिनट की एड एक साथ देखते होंगे, तो कितना एड रेवेन्यू ऑलरेडी ये पाई नेटवर्क कमा रहा होगा। और ऑलरेडी ये पाई नेटवर्क बहुत सारे ऐप्स डिज़ाइन और डेवलप करने के लिए वाइट पेपर पर अपनी बातें बोल चुका है। यही है उसका प्रॉफिट अर्न करने का और इसके प्राइस को ग्रोथ पे लाने का रीज़न। जो इसके प्राइसेस डे बाय डे जा रहे हैं ऊपर, वो इसके डाउनलोड्स की वजह से और ये एड रेवेन्यू की वजह से और इनके जो ऐप्स यूज़ हो रही हैं उनके यूजेज की वजह से इनको प्रॉफिट्स हो रहे हैं। मेननेट की इन्फो अगर मैं दिखाऊं तो आपको ये देखिए, इसमें मेरे पास में 2281 पाइकॉइंस हैं और मेरे पास दूसरे भी छोटे मोटे फ़ोन से जिसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं अभी आपको इसके साइड में और चलाते हुए दिखा दूंगा। टोटल 4000 के आसपास की मेरे पास में पाइकॉइंस जमा हो चुके हैं अलग अलग अकाउंट्स में मिलाकर। आपको करना कुछ नहीं है, अगर अभी भी आपने नहीं किया हुआ है पाई नेटवर्क में साइनअप तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दे रहा हूँ, आपको सिर्फ साइनअप करना है। ये चेकलिस्ट जो है, मेन चेकलिस्ट जो मैंने कर चुकी है इस वाले अकाउंट में, ये सारी चेकलिस्ट आपको करनी है। कैसी करनी है, बहुत नॉर्मल सी प्रोसेस है, खुद से अगर आप ट्राई करोगे तो हो भी जाएगी। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको सारी की सारी डिटेल एक वीडियो में बनाकर दिखा दूंगा कि आपको कैसे इसको चेकलिस्ट में जाने के बाद आपके जितने भी कॉइन्स आपके जनरेट हो रहे हैं वो मेननेट में ला के रख देने हैं। फिर किसी भी पाई नेटवर्कर को आप बेचकर कब बेचना है और कैसे बेचना है ये भी अपडेट आपको इस चैनल पर देते रहूँगा। लाइक से सब्सक्राइब करके बने रहिएगा। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑफर्स, जिन ऑफर्स की वजह से आप अभी तक इस चैनल पर इस वीडियो पर रुके हुए हैं। ये है देखिए, इस वाले बंदे ने मुझे मैसेज किया था, वो बोल रहा है कि मैं पहले पे कर रहा हूँ आपके पाई कॉइंस के लिए और उसका रेट देखिए $45 पर पाई वो देने के लिए तैयार है। ये पूरी चैट मैं आपको दिखा रहा हूँ उस बंदे की, और ऑलरेडी वो मुझे पेटीएम करने के लिए बोल रहा है। मैं पेटीएम कर सकता हूँ आपको, अगर आपको चाहिए पाई नेटवर्क्स, अगर वो बेचना आप उसको चाहते हो तो वो आपको एडवांस पेमेंट देने के लिए तैयार है। फिर भी मैं इसके साथ अभी डील नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है कल चल के पीयर टू पीयर जो मेरे पाई नेटवर्क के अंदर आएंगे लोग, उन लोग को तो फ्री में अभी साइनअप करने की वजह से एक पाई कॉइन तो मिल जाएगा, साथ ही साथ बहुत से लोगों को मैं फ्री रिवार्ड भी देने का प्लान कर रहा हूँ। कल जब ये लिस्टेड हो जाएगा तो मेरा जो भी प्रॉफिट का रेशियो होगा उसका कुछ सम अमाउंट ऑफ परसेंटेज मैं अपने नीचे जितने भी जुड़े हुए लोग रहेंगे पाई नेटवर्कर्स मेरे अंदर, उनको भी मैं फ्री में देने की कोशिश करूंगा। लेकिन जब तक कि ये सब चीज़ें चल रही है मैं आपको अलर्ट दे रहा हूँ कि ये एडवांस में पैसे देने वाले लोग भी आपको एडवांस में पैसे दे सकते हैं और ये कॉइन्स आपको ले सकते हैं, लेकिन कल चल के ये चीज़ ज़्यादा में बिक सकती है। इसलिए अभी इस मौके को इनकैश ना करें और आराम से इसको पाई नेटवर्क को और आपकी माइनिंग को शुरू रखें। मैं आपको बहुत सारे अपडेट्स इस बारे में देते रहूँगा। सारी प्रोसेस अगर आपको नहीं पता है कि कैसे की जाए तो ये भी आप धीरे धीरे इसी चैनल पे, इसी वीडियोस की लिंक्स पे और इसी प्लेलिस्ट पे आप देखते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।